अभी हम लोग हैं अपना हावड़ा ब्रिज में, बहुत बड़ा है, यहीं पे गाइस मीटिंग हुआ। नमस्ते दोस्तों, मैं चिंटू सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को हमारा एक न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग नहीं, इसे हम वीडियो कहेंगे। रहे हैं आप लोगों के साथ में मैं कोलकाता पार्क स्ट्रीट, कोई काम के तलाश में कि वहां से कॉल आया है इंटरव्यू के लिए, तो चलते हैं देखते हैं कि वहां का इंटरव्यू सक्सेस हो पाता है कि नहीं। अभी हम लोग हैं अपना बैंडिल जंक्शन और यहीं पर रहते हैं हम लोग। वीडियो में आप लोग हावड़ा ब्रिज, कोलकाता के सड़क या फिर आप बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखेंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहें आप लोग हमारे वीडियो में। और अब जब ट्रेन आएगी, 10:45 में ट्रेन है, अभी 10:36 हो रहा है, अभी 9-10 मिनट है और, तो कुछ देर वेट करते हैं और ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। जब ट्रेन आती है तो फिर चलते हैं ट्रेन पकड़ के कोलकाता। बस पकड़ना पड़ेगा, गाइस हावड़ा ब्रिज इन। मीटिंग हम लोगों का लगभग कितना देर चला होगा कि लगभग 4 घंटा, वो बाहर निकल के आप लोगों को बताता हूँ मैं कि क्या मीटिंग था, किसके बारे में मीटिंग था। अभी तो 4 घंटे बैठे बैठे और अंदर से मीटिंग हुआ, हम लोग आए हैं बाथरूम में और आप लोगों को बाहर निकल के मैं बताता हूँ कि क्या मीटिंग था, किसके बारे में मीटिंग था और कहाँ पर हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा हल्ला ज्यादा हो रहा है अंदर में, चलिए बाहर चलते हैं फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। और अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा कैफे है, बहुत बड़ा कैफे, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में पड़ता है ना, यहीं पे गाइस मीटिंग हुआ है और लगभग 4 घंटा लगातार हुआ है। चलते हैं कहीं फील्ड के तरफ, यहीं है धर्मतल्ला मैदान, वहां पे जाकर फिर आप लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। और यहां का सीन देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहां, वाह लग रहा है कि जैसे फॉरेन में हम लोग आए हुए हैं ना। रुपया तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मीटिंग था वो था रॉयल अजटेक का पानी लॉन्च होने वाला है, तो उसी के बारे में मीटिंग था कि कैसे इसका मार्केटिंग किया जाए, कैसे इसका सेलिंग किया जाए। और फिर से इसी का मीटिंग कल होने वाला है, जो होने वाला है डानकुनी में, तो आप लोग कल का भी वीडियो जरूर देखिएगा। और अभी मैं अपने घर पहुंच गया हूं, वहां पर मौका नहीं मिला क्योंकि ट्रेन जो थी बहुत ही कम समय में थी, अगर मैं वहां पे आप लोगों से बात करने लगता तो ट्रेन शायद छूट जाती और अभी मैं घर नहीं आ पाता और 1-1.5 घंटा लेट हो जाता। तो चलिए इस वीडियो का यहीं तक रहने देते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए ओके बाय, कल का भी वीडियो आप लोग जरूर देखें, मीटिंग होगा डन।